बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी मछली के शोरबे की रेसिपी बताऊँगी, बहुत ही मज़ेदार। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। आसान और मज़ेदार खाना बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको मज़ेदार मछली का शोरबे की रेसिपी बताऊंगी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 3.5 किलो मछली, चाहे आप बड़े पीस करा लें चाहे आप छोटे करा लें, ये आपकी मर्जी। चाहे आप बड़े कराए चाहे छोटे कराए, आपकी मर्जी है। इसको पहले नमक और अजवाइन से लगा के रखा हुआ था आधे घंटे में, फिर इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह वाश कर लिया था, ठीक हो गया। अब ये प्याज है, ये मैंने प्याज डाला है, 4 प्याज डाले हैं, 3 किलो मछली है और 4 प्याज डाले, इतने इतने। और एक लहसुन है, थोड़ा सा अदरक, ये तो मैं आपको बताती, थोड़ा सा अदरक डालती हूँ, ठीक है। तो ये वही 4 प्याज है, लहसुन और अदरक, ये वाला, ये अदरक मैं आपको दिखाया ना, थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि ज़्यादा डालने से भी वो टेस्ट नहीं सही आता। तो ये दही है, ये गरम मसाला, ये नमक है, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये जवैन छोटी चमची जवैन की, तो ये लाजमी डाला करो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बाती ख़त्म हो जाती है और खुशबू भी होती है। गरम मसाले में सब कुछ है, गरम मसाले में सब कुछ है। साबुत गरम मसाला डालूं तो बच्चे ज़ाया कर देते हैं, तो फ़ायदा कोई नहीं, बंदा ग्राइंड करके डाले वो भी खाया जाता है, ठीक हो गया। तो चले ये ऑयल में डाल रही हूँ, आप ये ऑयल जो भी आपके पास है तो आप यूज़ करें, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये 4 प्याज है, थोड़ा सा एक लहसुन है, साथ में थोड़ा सा अदरक है, ये सब कुछ इसमें चला, ठीक है। ये अदरक नहीं, ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि इससे टेस्ट जो ना वो ख़राब हो जाता, ठीक है। बड़ी खुशी की बात है, आप मुझे लाइक कर रही हैं और मेरे मैं कमेंट भी कर रहे हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर जो माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं, ये भी आपकी सपोर्ट की वजह से। तो मैं 1000 सब्सक्राइबर अगर आप मेरे कर लें तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दिखाए और आप सबको अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ दी। तो चले ये प्याज फ्राई होता है, 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। चले 5-10 मिनट हो गए हैं, मेरा प्याज जो फ्राई हो गया। मैं ज़्यादा नहीं करती, मैं आपको इसलिए बताती हूँ, इसको ज़्यादा करने से ना उसका जायका और टेस्ट नहीं आता, फिर उसमें स्मेल आती है और साथ में उसका फिर जायका टेस्ट नहीं आता। तो चलिए मेरा फ्राई जो हो गया प्याज, इसका जो शोरबा है ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का है, और वो सोना है शुगर के लिए, और गला ख़राब नज़ला जुकाम जो है ना वो ठीक कर देता है। मछली का शोरबा जो है ना वो सोना है, और जो फ्राई है ना वो इतना नहीं जितना फ़ायदा शोरबे का है। यही तो 2 महीने है जो सर्दी में खाया जाता है, नज़ला जुकाम जो होता है ना शुगर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं तो ऐसे बनाती हूँ, बड़ा ही मज़े का, मेरे बच्चे बड़ा ही खुश होकर चावलों के साथ खाते हैं, चाहे आप नान के साथ जाए, चाहे आप रोटी के साथ खा लें, चाहे आप चावलों के साथ खा लें, चावलों के साथ तो ज़्यादा ही मज़े के, ठीक हो गया। ये मैंने इसमें डाल दी है, साथ में थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है ताकि ये प्याज जो है ना ग्राइंड हो जाए सही से। तो छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छा है, इसका सूप बनाए, इसका शोरबा पिलाए बच्चों के, बहुत अच्छा टेस्ट है और बच्चों के लिए तो सोना है ये, ठीक है।
चले, मैंने डाल दी है। साथ में मैंने पानी रखा हुआ है, ये देखिए जीरा और धनिया डाल के ये गर्म होता है, फिर मैं इसके छोरपे के अंदर डालूँगी। तो ये मैं आप ग्राइंड करती हूँ, थोड़ा पानी और डाल दूँ, पानी कम लग रहा है। चलिए ये 5-6 हरी मिर्चें और आधा नींबू है, ज़्यादा नहीं डालता क्योंकि मैं दही इस्तेमाल कर रही साथ, ये आधा नींबू है बस। तो चलो ये मछली है, प्याज तो मैंने फ्राई करके निकालती है, अब मछली को मैं फ्राई करने लगी। अपने बच्चों को खिलाए शोरबा, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्टी शोरबा होता है इसका, चाहे आप बड़े करा ले चाहे आप छोटे करा ले, आपकी मर्जी है, मैं जो बड़े करवा। साथ में नए चावल पके हों, क्या बात है जी, देखिए कितनी प्यारी है। ये मछली फ्राई हो रही है साथ में, फ्राई हो रही है साथ साथ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, साथ साथ ही ऑयल भी गर्म हो रहे हैं, साथ साथ फ्राई भी हो रही है। बड़ी आसान रेसिपी है, कभी स्मेल नहीं आती, मैं तो माशाल्लाह कितनी दफ़ा पका चुकी हूँ, बस स्मेल नहीं आती। इसका तो शोरबा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होता है, ये गले और रेशे के लिए बहुत अच्छा, मेदे के लिए बहुत अच्छा। कैसे घर में बनाती हूँ वैसे ही आपसे शेयर करती हूँ। ठीक हो गया, मछली मेरी फ्राई हो गई सारी। अब इसके अंदर मैं क्या डालूँ बता दूँ फिर दोबारा, अजवाइन है, नमक है और गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, इसके स्वाद कश्मीरी लाल मिर्चे नहीं है ना ही कलर है। ठीक है, ये चला गया। तो साथ में मैं दही ऐड कर रही हूँ, दही कितना जा रहा है ये आपके सामने है, 2 चम्मच, 3, 4, ये 5। दही से जो होता है उसका टेस्ट और जायका बहुत अच्छा आता है। टमाटर नहीं ऐड करती मैं, और उसके बाद ये जो मसाला बनाया है ये मैं ऐड कर रही हूँ, जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था ये वो ऐड कर रही हूँ। साथ में जो पानी मैंने आपको दिखाया था, धनिया और जीरा डाला हुआ था, ये बॉइल हो गया। अब ये पानी इसके अंदर जीरा और धनिया जो मैंने डाल के पानी को रखा हुआ था गर्म हो गया, अब मैं ये ऐड कर रही हूँ। ये जितना पकाऊंगी ना इसका सारा असर और जायका टेस्ट बाहर आ जाएगा, इसका जो मछली का जो हड्डियों का जो टेस्ट है, जो जायका इसके अंदर है, वो सारा बाहर आ जाएगा। इसको मैं आधा घंटा बनाऊंगी क्योंकि मैंने इसका शोरबा लेना है, मैंने इसका शोरबा यानी कि यखनी लेनी है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा। ये तो अब हर घर में बन रही है मछली फ्राई, फ्राई से ज़्यादा बेहतर ये सोना है, शोरबे वाली जो पी खाए ना वो सोना है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का है। ठीक है, अब मैंने इसके आपके सामने जीरा धनिया वाला पानी ऐड कर लिया, अब मैं इसको ना सिर्फ आधा घंटे के लिए ना छोड़ देती हूँ। चूल्हा मैंने फुल किया हुआ है,
तो ये सफादा के अंडे के लिए बाद में मैं आपसे मिलूंगी। ये मछलियों का हड्डियों का जो सारा असर है, जो सारा टेस्ट है, वो हमने लेना है। हमने मछली का नहीं लेना, से हड्डियों का टेस्ट लेना है। ये सोना है, ठीक है। अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ सफादे के अंडे के लिए। फिर आधे के अंडे के बाद भी मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। चलिए देखते क्या रिजल्ट है इसका। क्या खुशबू आ रही है माशाल्लाह, क्या खुशबू आ रही है मछली की फ्राई हुई। देखिए ये देखिए, आधा घंटा इसका असर मैंने निकालना था। सारा मछली का असर जो ना वो निकल जाता है ना, तो फिर शोरबा जो होता है ना, बड़े मज़े का, बड़ा टेस्टी है। ये देखिए, ना टूटी है ना खराब हुई है, मैं आपको सिखा दूँगी। ये देखिए, मछली टूटी नहीं है, बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल साबुत है। देखिए आपके सामने ही है। आधा घंटा सिर्फ इसको पकना भी, और बस 20 मिनट हो रह गए हैं। जब ये अच्छी तरह सा इसका असर और टेस्ट निकल जाएगा ना, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए कोई मछली नहीं मेरी टूटी, सब मैंने इसका असर निकालना था तो वो मैंने निकाल दिया है। तो 5 मिनट के लिए हो छोड़ देती, ठीक है। फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। पाँच मिनट के लिए भी हो छोड़ती, फिर आपसे मिलती, ठीक है। चले हमारा रेडी हो गया शोरबा, तो मज़ेदार खुशबू अभी भी आ रही है। चूल्हा कर देती बंद, तो आप देखिए बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी ये सोना है मछली का शोरबा। हमने मैंने मछली का सारा असल शोरबा जो है ना, मैंने निकाल दिया, यखनी उसके अंदर जो भी थी, तो इतने मज़े का। वैसे भी जो आप खाएंगे पिएंगे गला बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए ये देखिए, भरा हुआ था मैंने पानी का, फुल था, आधा घंटा मैंने पकाया इसको। देखो इसका शोरबा कितना मज़े का और कितना टेस्टी है। ये देखिए, इतना गाढ़ा शोरबा जो है ना वो सही नहीं रहता, ये इतना इतना नॉर्मल ही, बस ज़्यादा पतला नहीं है। ये देखिए, इसकी यखनी भी पी ले, इसके चावल भी बना ले, वो भी मैं आपसे रेसिपी बताऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा जायका और कितना अच्छा टेस्ट है और कलर आया हुआ है। अब खाने में इतना मज़ा आएगा कि मैं क्या बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अब मैं डिश में डालती हूँ। चलिए हमारा रेडी हो गया खाना, मछली का शोरबा था, साथ में पेप्सी है, शायद 7 अप ले ले, चाहे पेप्सी आपकी मर्जी है, साथ बॉयल चावल है। ये इमली और कुर्बानी की चटनी भी साथ है, इसकी भी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। साथ में सलाद है और नींबू है। तो ये हमारी मछली शोरबा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का। आप ये मेरी तरफ देख के बनाएंगे ना, तो आपके बच्चे और घर वाले कहेंगे हमने खाने शोरबा ही है। शोरबा जो है ना सोना है, फ्राई से बेहतर है कि शोरबे वाली बना के बच्चों को दो, वो सबसे अच्छा है। तो चले अब उषा भट्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।